पता चला कि मोदी जी की नीति और नियत दोनों में खोट है। तो महिलाओं को एक जुमला दे दिया गया महिला आरक्षण का। ये जुमला इसलिए दिया गया क्योंकि अपनी आगामी हार साफ दिख रही है और मोदी जी के स्कोर कार्ड पर नील बटा सन्नाटा है। झूठों ने फिर जुमला फेंका संसद के चौबारे से, जनता अपना मूर्ख बनेगी 2024 में दोबारे से। ये लाइन जो है, जो मैंने कही, इस खबर पर एकदम सटीक बैठती है क्योंकि मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल के नाम पर एक बहुत बड़ा जुमला फेंका है, बहुत बड़े जुमलेबाजी की है। कांग्रेस राज में आए इस बिल को सरकार ने अपना बताया और उसे लागू करने के लिए अब उसे 6 साल लग जाएंगे। सुनकर शॉक लगा ना, ये सच है, सरकार को इसे लागू करने में 6 साल लगेंगे। ऐसा दावा है कि मोदी सरकार जो बिल लाई है उसमें कई खामियां हैं, यानी कि सीधा सीधा कहे तो सरकार ने बहुत बड़ा जुमला फिर से देश के साथ किया है। गोदी मीडिया का क्या, वो तो गुणगान करेगा ही, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई भी सामने आ गई है जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। क्या कुछ हुआ है सब बताते हैं आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील करना चाहती हूँ। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच से आप भी वाकिफ हो सके और अन्य भी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं द डेली पंचायत। महिला आरक्षण बिल तो सरकार ने नई संसद में पेश कर दिया जिसे गोदी मीडिया मास्टर स्ट्रोक बता रही है, लेकिन इसके पीछे की वो सच्चाई अब सामने आ गई है जो अब तक किसी ने नहीं दिखाई थी। दरअसल इसे लागू करने के लिए अभी काफी वक्त लगेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में लागू हो जाएगा? नहीं, ये बिल परिसीमन के बाद लागू होगा। जानकारी के मुताबिक जनसंख्या गणना 2026 तक होगी, उसके बाद परिसीमन 2027 तक तय होगा, फिर इसे लागू किया जा सकेगा। यानी परिसीमन जब होगा इसके बाद ये लागू हो सकेगा। अब सरकार की मंशा तो आप भी समझ गए होंगे कि चुनाव से पहले ऐसा क्यों किया गया। हालांकि इस मामले की पोल कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी खोल रख दी है। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें लिखा है कि मोदी जी ने अपने जुमलों से इस देश की महिलाओं को भी नहीं बख्शा, महिला आरक्षण बिल में उनकी खोटी नीयत साफ हो गई। बिल के अनुसार महिला आरक्षण के पहले जनगणना और फिर डेलिमिटेशन यानी कि होना अनिवार्य है, मतलब है 2029 से पहले ये संभव ही नहीं। अगर आप वाकई में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते तो 2010 के राज्यसभा में पारित बिल को ही लोकसभा में ले जाते। आधी आबादी के साथ ये जुमला ठीक नहीं, यानी कि सुप्रिया श्रीनेत ने सीधे सीधे बता दिया कि किस तरह से मोदी जी ने 2024 का चुनाव जीतने के लिए किस तरह का प्रोपोगेंडा फैलाया है, किस तरह से जो है एक जाल फेंका है, आप भी समझ रहे होंगे। वरिष्ठ रिटायर्ड अधिकारी ने भी इस मामले पर ट्वीट किया और लिखा है कि महिला आरक्षण बिल कहीं अभी भी एक जुमला भर ही तो नहीं। बिल में लिखा है कि ये बिल अगले परिसीमन के बाद ही लागू होगा। सोचिए विषय है, सोचने का विषय है। जनगणना जो 2021 में होनी थी आज तक नहीं हो पाई, आगे कब तक होगी भगवान जाने। जब तक जनगणना नहीं तब तक परिसीमन नहीं, लो गई भैंस पानी में। क्या अगली जनगणना 2031 तक होगी? चुनाव में लाभ मिले इसलिए नाम तो अच्छा रखा है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम। संसद में आ रहा है, पास भी हो जाएगा, लेकिन ढाक के 3 बार दरवाजा तो खोल दिया, लेकिन ना कहीं अभी भी नारी शक्ति के लिए दरवाजे पर नो एंट्री। यानी कि बिल लेके आए, उसमें जनगणना करवानी है, उसके बाद परिसीमन हो पाएगा, तो ये इतने वक्त तक क्यों नहीं हो सका? अब फिर ये परिसीमन की बात हो रही है, फिर जनगणना की बात हो रही है, दोबारा सत्ता में आके इन वादों को एक पोटली में बनाकर फिर गंगा में ना प्रवाहित करा दिया जाए। सरकार अब झूठ की मंडी को कैसे सजाए हुए है आपके सामने है। सरकार को इस बिल को लेकर, सरकार के इस बिल को, इस जो आप लोग के सामने ये पेश किया गया है एक और जुमला, इसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।